जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल था कि जिस प्रकार पुतिन और डोभाल ने चीन को भारतीय बॉर्डर से पीछे हटने को मजबूर कर दिया, ठीक उसी प्रकार क्या वो भारत को वीटो पावर देने के लिए चीन को मना सकता है? तो देखिए, बॉर्डर पर चीन को पीछे हटाना अजीत डोभाल की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर दिलाना विदेश मंत्री एस जयशंकर की जिम्मेदारी है। भारत काफी समय से यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर की मांग कर रहा है। रूस हमेशा भारत का सपोर्टर रहा है और उसने भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की वकालत की है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन भारत को वीटो पावर देने के लिए तैयार होगा, और अगर तैयार होगा भी तो वो बदले में भारत से क्या रिटर्न मांगेगा? चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर टेंशन हमेशा से एक समस्या रही है। अगर चीन अपनी सेना बॉर्डर से पीछे हटाता है और भारत को वीटो पावर सपोर्ट करता है तो बदले में वो भारत से कुछ स्ट्रेटेजिक फायदे की उम्मीद कर सकता है, जैसे कि चीन का सबसे बड़ा इश्यू ताइवान और साउथ चाइना सी पर उसका क्लेम है। अगर भारत वीटो पावर के साथ यूएनएससी में शामिल होता है तो चीन शायद चाहेगा कि भारत इन मुद्दों पर न्यूट्रल रहे या उसका सपोर्ट करे। इसके अलावा चीन ब्रिक्स और G20 जैसे फॉर्म्स पर भारत का समर्थन चाहेगा ताकि वो पश्चिमी देशों को काउंटर कर सके। चीन ये भी चाहेगा कि भारत उसके साथ खुलकर व्यापार करे और भारत कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे चीन को नुकसान हो। वीटो पावर देने के बदले चीन भारत से ये भी मांग सकता है कि भारत पश्चिमी देशों से दूरी बनाए। वैसे तो ये सब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हालांकि हमने आपको कुछ मांग बताई जो चीन वीटो पावर के बदले भारत के सामने रख सकता है। अगला सवाल था कि भारत के बॉर्डर से चीन को पीछे हटाना और भारत को यूएनएससी में वीटो पावर दिलाना, दोनों में भारत के लिए कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो देखिए, भारत और चीन के बीच बॉर्डर इशू लंबे समय से चल रहा है। जब भी बॉर्डर पर टेंशन होता है भारतीय सैनिकों के लिए खतरा बढ़ जाता है और इसका असर देश की आंतरिक सुरक्षा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। इसलिए चीन को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटाना भारत की सुरक्षा, शांति और पीसफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। गलवान घाटी की झड़प में भारतीय जवानों की शहादत ने देश को झकझोर कर रख दिया था और दोनों देशों को नुकसान हुआ था, तो इसलिए बॉर्डर पर शांति बनाना भारत के लिए इमीडिएटली जरूरी है। दूसरी तरफ अगर भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर मिलती है तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की स्थिति को मजबूत कर देगा। यूएनएससी में भारत उन फैसलों को रोक सकेगा जो उसके हितों के खिलाफ होंगे। इससे भारत अपनी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी को और बेहतर तरीके से चला सकेगा। अब सवाल उठता है कि दोनों में क्या ज्यादा जरूरी है? तो इमीडिएट कंसर्न के हिसाब से भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बॉर्डर पर चीन के साथ तनाव को खत्म करना होगा। जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी, भारत पर डिफेंस का भारी दबाव रहेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा। इसलिए चीन को बॉर्डर से पीछे हटाना सबसे जरूरी है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो भारत को यूएनएससी में वीटो पावर मिलना महत्वपूर्ण है। इससे भारत एक ग्लोबल पावर बनेगा और दुनिया के बड़े फैसलों में हिस्सेदारी होगी। अगला सवाल था कि क्या रूस भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर शांति या तनाव को कंट्रोल करने में भूमिका निभाता है? तो देखिए, रूस एक ऐसा देश है जिसके भारत और चीन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। जब भी भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर कोई टकराव होता है, रूस चुपचाप दोनों देशों को बातचीत करने के लिए सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए 2020 में गलवान वैली की झड़प के बाद रूस ने भारत और चीन को बातचीत के लिए प्रेरित किया था। मॉस्को में एक मीटिंग हुई जहां दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने टेंशन को कम करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत और चीन दोनों के लीडर से अच्छे रिलेशन होने के कारण ये कूटनीति काम करती है। रूस यहां एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह काम करता है जो सीधे विवाद में नहीं पड़ता, लेकिन दोनों देशों के बीच टेंशन कम करने में मदद करता है। अगला सवाल ये था कि क्या भारत को हथियार बेचने के मकसद से रूस जानबूझकर भारत और चीन बॉर्डर पर टेंशन पैदा करवाता है? दोस्तों, इस थ्योरी का बेसिक आइडिया ये है कि अगर भारत और चीन के बीच टेंशन बना रहता है तो भारत अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए रूस से हथियार और डिफेंस सिस्टम खरीदता रहेगा, जिससे रूस को आर्थिक फायदा होगा। उदाहरण के लिए भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और कई एडवांस वेपन खरीद चुका है। जब भारत को चीन या पाकिस्तान से खतरा महसूस होता है तब ये खरीदारी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर बॉर्डर पर टेंशन कम हो जाए तो भारत को कम हथियारों की जरूरत होगी, जिससे रूस को कम फायदा होगा। हालांकि ये थ्योरी पूरी तरह से सच नहीं है। अब भारत सिर्फ रूस से नहीं बल्कि अमेरिका, इसराइल और फ्रांस से भी हथियार खरीद रहा है, तो हमारे पास हमेशा कई ऑप्शंस रहते हैं। दूसरी बात, रूस खुद एशिया में शांति और स्थिरता चाहता है ताकि वो इन सभी देशों को एकजुट करके पश्चिमी देशों को काउंटर कर सके। अगर भारत और चीन के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए या युद्ध जैसी स्थिति बन जाए तो ये पूरे क्षेत्र के लिए अस्थिरता लाएगा, जो रूस के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगला सवाल ये था कि आखिर चीन अचानक बॉर्डर से पीछे हटने के लिए क्यों तैयार हुआ होगा? तो देखिए, चीन के विदेश मंत्रालय का ये बयान कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर गलवान घाटी समेत चार जगहों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, एक अहम घटनाक्रम है।
इस बयान में रूस का तो प्रभाव है ही, लेकिन साथ ही ये बयान दिखाता है कि चीन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। गलवान की झड़प ने चीन की आक्रामक नीति को दुनिया के सामने लाया था, लेकिन अब चीन शांति और डिप्लोमेटिक तरीके से विवाद सुलझाना चाहता है। इसके साथ ही चीन भारत को शांत करके अपनी बाकी इंटरनेशनल रणनीतियों जैसे ताइवान और साउथ चाइना सी पर फोकस करना चाहता है। चीन इन मोर्चों पर उलझा हुआ है और वहां भी उसे शांति चाहिए ताकि वो अपने दूसरे इंटरनेशनल लक्ष्यों पर ध्यान दे सके। अगला सवाल ये था कि क्या ब्रिक्स में भारत की अहमियत के कारण चीन बॉर्डर पर पीछे हटने को तैयार हुआ है। तो देखिए, पुतिन और चीन दोनों ब्रिक्स को मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि ये उभरती हुई इकोनॉमीज का ग्रुप है जो ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। इनका मकसद है कि ब्रिक्स मजबूत हो ताकि वो पश्चिमी देशों खासकर G7 जो विकसित देशों का समूह है उनका मुकाबला कर सके। अगर भारत ब्रिक्स छोड़कर G7 में जाता है तो रूस और चीन के लिए ये बड़ा झटका होगा। G7 देशों ने भारत को हाल के सालों में काफी रिस्पेक्ट दी है। भारत ब्रिक्स का एक अहम सदस्य है और उसके बिना इस ग्रुप की ताकत कम हो सकती है। अक्टूबर में रूस के कजान में होने वाली ब्रिक्स समिट में भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर अगर ब्रिक्स करेंसी की नींव रखी जाती है। ऐसे में रूस और चीन दोनों चाहेंगे कि भारत ब्रिक्स को दिल खोलकर समर्थन करे और हो सकता है कि इसके लिए बॉर्डर टेंशन को कम किया गया हो। अगला सवाल यह था कि क्या ब्रिक्स नाटो जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। तो देखिए, हाल ही में ब्रिक्स देशों ने यह विचार किया कि वो अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए एक संसद जैसा फॉर्मेशन बनाएंगे, जैसे नाटो के पास एक स्ट्रक्चर है। इससे ब्रिक्स के देशों के बीच पॉलिसी बनाने और ग्लोबल इश्यूज पर एक कॉमन अप्रोच अपनाने में आसानी होगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि ब्रिक्स में कोई मिलिट्री अलायंस होने जा रहा है। नाटो की तरह अगर ब्रिक्स एक कोऑर्डिनेटेड संगठन बन जाता है तो ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। रूस की नजर नाटो पर तो है ही, लेकिन साथ में वो अमेरिकी डॉलर की भी कमर तोड़ना चाहता है। डॉलर का वर्चस्व तोड़ने के लिए ब्रिक्स देश अपनी करेंसी की नींव रख रहे हैं। ये एक बड़ी रणनीतिक चाल है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का दबदबा है और इसका सीधा फायदा अमेरिका को मिलता है जिसका वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अगर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी शुरू करते हैं तो ये ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और अमेरिकी डॉलर और उसके इकोनॉमिक पावर को चुनौती दे सकता है। आपका अगला सवाल था कि अजीत डोभाल और व्लादिमीर पुतिन इतने करीबी मित्र कैसे बन गए। तो देखिए, अजीत डोभाल और व्लादिमीर पुतिन दोनों ही अपने अपने देशों के बहुत खास इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से आते हैं जिसने उन्हें स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचने वाला लीडर बनाया और एक दूसरे के करीब भी लाया है। अजीत डोभाल को भारत के सबसे प्रभावशाली जासूसों में से एक माना जाता है। वो 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट रहे जहां उन्होंने कई इंपोर्टेंट ऑपरेशंस को अंजाम दिया और वहां की खुफिया जानकारियां जुटाई। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसों का नेटवर्क भी खड़ा किया। उनकी ये जासूसी स्किल्स ही है जिसने उन्हें आज एक स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड बनाया है। अब वो भारत के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और देश की सुरक्षा रणनीतियों को लीड कर रहे हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन का बैकग्राउंड भी इंटेलिजेंस से जुड़ा है। उन्होंने सोवियत यूनियन के KGB में बतौर जासूस काम किया और जर्मनी में पोस्टेड रहे जहां उन्होंने कई इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को लीड किया। पुतिन की ये जासूसी स्किल्स ही थी जो उन्हें रूस का राष्ट्रपति बनने में मददगार साबित हुई और रूस को एक ग्लोबल पावर बनाने में भी। पुतिन डोभाल को एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। इन दोनों के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ने भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत किया है। चाहे वो डिफेंस डील्स हो या इंटरनेशनल मुद्दे, पुतिन और डोभाल की समझ ने हमेशा भारत को फायदा पहुंचाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने नए सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में भी या फीडबैक बॉक्स में डाल सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।